जाकर हर बंदे के पास जाकर उनको जागरूक करेंगे कि बीजेपी की तरफ से महंगाई के ऊपर कितने ज्यादा अपराध या हम कह सकते हैं कि लोगों को परेशान किया गया, चाहे वो किसान हो या महिलाएं हो या हो कोई आम आदमी। तो चलिए बात करते हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार सर, की आप ये मुहिम कब से स्टार्ट की है और कैसी दौरान आप क्या क्या करेंगे? आज चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के द्वारा आप ये देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर से एक पोस्टर निकाला गया। इस पोस्टर के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के जो कुकर्म है उनका लेखा जोखा इसमें दिया गया है। किस तरह से महंगाई बढ़ी है, किस तरह से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, किस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, दालों के दाम बढ़े हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं, सरसों की तेल के दाम बढ़े हैं, प्याज के दाम बढ़े हैं, टमाटर के दाम बढ़े हैं और हर उस वस्तु के दाम बढ़े हैं जो लोगों के काम आने वाली है। आज लोगों के अंदर लोग त्राहिमान है, लोग परेशान है क्योंकि महंगाई की मार बढ़ती जा रही है। जो पेट्रोल और डीजल किसी समय 60 रुपए का डीजल होता था और 70 रुपए का पेट्रोल होता था वो सैकड़ा पार कर चुके हैं। और अभी पीछे मोदी सरकार ने कहा कि हमने दिवाली का गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट क्या है कि 40 रुपए आपकी जेब से पहले निकाल दिए, उसके बाद 5 रुपए वापस आपकी जेब में डाल दिए, हमने आपको दिवाली का गिफ्ट दे दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। इन्होंने लोगों को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है। चंडीगढ़ के अंदर भी आप देख सकते हो नगर निगम के अंदर टैक्सों का बोझ लोगों के ऊपर डाला गया है, खजाने खाली कर दिए गए, पानी के बिल बढ़ा दिए गए और गांवों को शामिल करके उन पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिए गया। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, लोगों को इन्होंने बिल्कुल मारने का काम कर दिया है और अब जनता सहने वाली नहीं है। अभी हिमाचल के अंदर उपचुनाव हुआ है, वहाँ पर उन्होंने इनको झटका दिया है और आने वाले दिनों में आप देखोगे चंडीगढ़ नगर निगम के अंदर भी लोग जो हैं इनकी नीतियों से तंग आकर इनके खिलाफ वोट डालेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे और फिर देखना आप और दाम का। सर, की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से प्राइसेस राइज हुई, तो कोरोना के चलते सरकार को भी काफी ज्यादा नुकसान है, तो उस पर कांग्रेस का क्या हल्ला बोल है बीजेपी के ऊपर की मैडम? तो कोविड की बात कर रहे हैं ना, कोविड के समय को कोविड का बहाना लेकर कब तक करेंगे? पहले कहा जी मुफ्त टीकाकरण, अगर मुफ्त टीकाकरण कर रहे थे तो पेट्रोल और डीजल के पैसे क्यों लेंगे? जी हमने पेट्रोल और डीजल के लिए पैसे इसलिए बढ़ाए क्योंकि हमें कोविड के लिए पैसे चाहिए थे। अरे आप दोनों बातें इकट्ठे कर सकते हो, या तो आप मुफ्त टीकाकरण कर रहे हो या आप लोगों से ही पैसे लेकर उसको टीके के अंदर लगा रहे हो, पर वो टीके के भी कहाँ 30-35 हज़ार करोड़ रुपया लगना था और कहाँ आपने 3-4 लाख करोड़ इकट्ठा कर लिया, 10 गुना आपने पैसे इकट्ठे कर लिए। आपकी GDP की मैक्सिमम कलेक्शन हो गया है, उसके अंदर आपकी कलेक्शन हो गई, सारा आपका जो है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो कोविड का बहाना लेकर, कब तक चुपोगे? और कोविड के अंदर भी जितना ऊपर अंदर रहा है वो शायद ही कभी रहा होगा। सरकार ने किस तरह से लोगों को अस्पताल के अंदर, हमने लोगों को दम तोड़ते हुए देखा, ऑक्सीजन के बिना, वेंटिलेटर्स के बिना, बिना जो है रेमडेसिविर मेडिसिन के बिना और ऐसी बहुत सी दवाइयाँ थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स थे जो लोगों को अवेलेबल नहीं थे, 10-10 गुना ब्लैक में मिले हैं। तो ऐसी सरकार की फेलियर रही है सारी तरह, कोविड के पीछे वो मुंह छुपा नहीं सकते। आज सारी एक्टिविटी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कहाँ कोविड? कोविड के केसेस तो बहुत कम हो गए हैं, अभी भी आप लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे। कोविड को लेकर तो इन्होंने पैसा बनाया, आपको पता है कितना पैसा जमा हुआ है, उसका कोई हिसाब नहीं है। बाहरी कंट्री से भी पैसा कोविड के लिए इतना आया लेकिन खर्च कहाँ किया किसी को कुछ नहीं पता। इनसे हिसाब पूछो तो वो कहते हैं उसका हम हिसाब नहीं दे सकते, आरटीए में डाल नहीं सकते आपकी, वो जो पैसा है वो कहाँ गया और कैसे गया, करोड़ों अरबों रुपया उसमें लोगों ने जमा कराया, आपको भी पता ही होगा, प्राइम मिनिस्टर नेपाल ने, ठीक है? नहीं, इसको तो आपदा में इन्होंने एक बिजनेस बना लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया इतना, और दूसरी कह रहे हैं कि फ्री में टीकाकरण किया, फ्री में कौन टीकाकरण कर, हमारा ही पैसा हमारे ऊपर लगा दिया। सर, जैसा कि आपने अभी ये शुरू किया है, पिछले 6 महीनों से प्राइस राइज हो रहे हैं, पर दूसरी सरकारी इल्ज़ाम लगा रही है कांग्रेस ने इस वक्त की चीज़ इसलिए शुरू किया क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। इलेक्शन की बात नहीं है, हम पिछले 5 साल से लगातार मोदी सरकार के हर उस गलत नीति के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। जब सब्जियों के दाम बढ़े थे हमने सब्जी मंडी के बाहर हमने एक धरना लगाया था, वो 1.5 साल पहले की बात है। हम तो 5 सालों से लगातार जब भी कोई बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है, हम हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। अगर नगर निगम में पानी के दाम बढ़े थे तो हमने पिछले 6 महीने पहले पार्षदों के घर घर जाकर उनके घिराव किए थे, हमने कहा था कि पानी के रेट कम करो। ये नहीं है कि हमने इलेक्शन देख के, हमारा 5 सालों से लगातार जब भी कोई गलत काम ये कर रहे हैं, और ना सिर्फ 5 साल, जब भी कोई सरकार कोई गलत काम करती है, एक
विपक्ष के नाते जो हमारी भूमिका होनी चाहिए हम उस भूमिका को बखूबी निभाते हैं, और हमेशा हमारी कोशिश रही है कि उन सब मुद्दों को उठाकर लोगों के बीच में लेकर जाएं, और एक जो सक्षम विपक्ष की भूमिका जो हम सर जैसे कि इलेक्शन आने पर है, अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या क्या बदलाव हम देखने को मिलेगी चंडीगढ़ के अंदर? देखिए राष्ट्रीय स्तर का पर तो राष्ट्रीय स्तर के फैसले ही लेंगे, लेकिन जो मैं लोकल लेवल पर बात कर सकता हूँ, पहले भी अनाउंस कर चुके हैं जो पानी के रेट हैं वो इमीडिएट सारे रोल बैक किए जाएंगे, पुरानी दरों में पानी दिया जाएगा, जो टैक्सेस का बोझ, जो पार्किंग की फीस, ये सारी चीज़ें हम रिव्यू करेंगे, और हम सारी चीज़ों के दाम जो है हम कम करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन पे भी दबाव बढ़ाएंगे कि वो वैट कम करें ताकि लोगों को पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस हैं वो कम रेट पर मिल सके, और जो सड़कों का बुरा हाल है वो भी हम इसको बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। आप जहाँ से देख सकते हो कितना बुरा हाल है, डीआईसी एरिया से रहता है दो नंबर वार्ड, ये सारा हम सुधार करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा कि कांग्रेस ने बीजेपी को हमला बोलते हुए काफी ज्यादा ये काम लगा दिए बीजेपी के ऊपर, और साथ ही चुनाव भी आने वाले हैं तो इसको लेकर काफी ज्यादा जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। पांच खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रकाश के साथ, कैमरामैन मनीष के साथ स्माइल चौधरी, अर्थ प्रकाश। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना न भूलें।